हे दोस्तों, कानपुर यूनिवर्सिटी से एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। जी हाँ साथियों, कानपुर यूनिवर्सिटी से एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो एग्जामिनेशन आपके अभी बचे हुए थे और एग्जामिनेशन अभी आपके कराए जाने वाले थे, उनके मेन एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वो आपके इसी सितंबर माह में कराए जाएंगे। कब से कराए जाएंगे, इनका पूरा फुल डिटेल आप देख लीजिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि अगर आप चैनल एसटीडी गुरु पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। उसी के साथ में दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। चलिए नोटिफिकेशन देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, छात्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर यूनिवर्सिटी आइए, आपके 18 सितंबर के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं और इसमें विषय में लिखा क्या है इसको देख लीजिए आप। लिखा है MBBS फाइनल प्रोफेशनल पार्ट वन मेन सप्लाई बैच 2017 और MBBS फाइनल प्रोफेशनल पार्ट सेकेंड डिस्टेंस सप्लीमेंट MBBS फर्स्ट प्रोफेशनल सप्लाई बैच 2019 के परीक्षाओं के संबंध में क्या बताया गया है, इसे देखिए। लिखा है, कृपया आदेशानुसार अवगत कराना है कि संदर्भित परीक्षा कार्यक्रम संलग्न कार्यक्रम के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। ये परीक्षाएं निम्नलिखित निर्देशों के अधीन संपन्न होगी। आपके जो एग्जामिनेशन कराए जाने वाले हैं, आपके कुछ निर्देश दिए गए हैं, इस निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आपके एग्जामिनेशन कराया जाएगा। उसके बाद लिखा है, एक नंबर में परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों की सूची पूर्वभात 3 प्रतियों में तैयार कर दिया गया है, जो कि 20 सितंबर दिनांक 24 तक एक प्रति सहायक कुल सचिव मेडिकल को, दूसरी सिस्टम मैनेजर तथा तीसरी भविष्य संदर्भ में महाविद्यालय को सुरक्षित रखना होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पॉइंट में लिखा है, समस्त संबंधित महाविद्यालय 20 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म सबमिशन एवं परीक्षा शुल्क जमा करना सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट में लिखा है, समस्त प्रधानाचार्य इस आशय को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि परीक्षा में सम्मिलित कराए जा रहे सभी छात्रों की महाविद्यालयों में भारतीय चिकित्सा परिषद नई दिल्ली विनियम के अनुसार कक्षाओं में उपस्थिति, उनका निर्धारित पाठ्यक्रम एवं कोर्स को न्यूनतम अवधि पूर्ण किसी भी विसंगत की दशा में संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित प्रधानाचार्य का होगा। उसके बाद चौथे नंबर पॉइंट में लिखा है, प्रधानाचार्य द्वारा परीक्षाओं में COVID-19 से सुरक्षा हेतु सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि से संबंधित राज्य सरकार निर्देशित सभी नियमों को पालन करना सुनिश्चित किया जाएगा। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना, इन निर्देश को ध्यान में रखना, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल है। और आपके जो एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी किए गए, स्कीम जारी किए गए, ये आप देख लीजिए। आपके लिखा है MBBS फर्स्ट ग्रुप के लिए आपका जो एग्जामिनेशन कराए जाएंगे वो 27 सितंबर से कराए जाएंगे, जो कि मंडे है, और मंडे में कौन कौन से एग्जामिनेशन कराए जाएंगे, कब से एग्जामिनेशन कराए जाएंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। लिखा है, टाइमिंग 2 बजे से आपके 5 बजे तक एग्जामिनेशन कराए जाएंगे और 27 सितंबर का जो पहला पेपर होगा आपका एंटोनॉमी का होगा, जो कि फर्स्ट पेपर है, दूसरा फिर 28 सितंबर का उसी का होगा आपके सेकंड पेपर, और फिर 29 सितंबर को वेडनेसडे फिजियोलॉजी का होगा फर्स्ट पेपर, और 30 सितंबर को सेकंड पेपर होगा, फिर आपका फ्राइडे में बायोकेमिस्ट्री होगा फर्स्ट पेपर, और 3 अक्टूबर को आपका संडे है बायोकेमिस्ट्री, आपका सेकेंड पेपर के एग्जामिनेशन कराए जाएंगे। यही MBBS प्रोफेशनल पार्ट वन मेन 2017 बैच के लिए आपके 9 से 12 बजे तक एग्जामिनेशन चलेंगे, जो कि आपके कुछ यहाँ सब्जेक्ट डेट और पेपर यहाँ मेंशन किया गया है। जैसे 27 सितंबर में देखिए कौन सा एग्जामिनेशन होगा, आपका मंडे है कमेटी ऑफ मेडिसिन फर्स्ट पेपर, उसके बाद ट्यूजडे में भी आपका सेकंड पेपर होगा, 29 तारीख को भी आपके AB कराए जाएंगे पेपर, जो भी आपके ऑर्थोपेडोलॉजी लिखा हुआ है। उसके बाद फिर MBBS आपके पार्ट टू का जो डिटेल है उसका भी एग्जामिनेशन कराए जाएंगे 2 से 5 बजे तक। तो इस प्रकार से आपके ये एग्जामिनेशन शेड्यूल पूरा जारी किया गया है, और जो काफ़ी समय से स्टूडेंट परेशान थे कि सर हमारे एग्जामिनेशन कब कराए जाएंगे, हमारे एग्जामिनेशन होंगे कि नहीं लास्ट ईयर के, जो भी कुछ है वो पूरा डिटेल इस वीडियो में मेंशन किया गया है। आपके एग्जामिनेशन 27 सितंबर से कराए जाएंगे और आपके 4 अक्टूबर तक एग्जामिनेशन चलेंगे। लास्ट में लिखा है, यूज फॉर एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, पेज, ETC इन एग्जामिनेशन हॉल, रिस्ट्रिक्टेड इन प्राइवेट। कहने का मतलब ये, आप कोई भी ऐसा उपकरण न ले जाएं जिससे कि आपको रिस्ट्रिक्टेड किया जा सके। जैसे आप वॉच नहीं ले जा सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वॉच आती है, मोबाइल फ़ोन होगा, कैलकुलेटर होगा, कोई पेज ETC और भी जो चीज़ें आती है, आपको चीटिंग नहीं करनी है। उसके बाद लिखा है, साइज एंड गुड विन नॉट द रिफंड एनी कैश, आपके कोई भी कैश रिफंड नहीं किया जाएगा। फिर लिखा है, कैंडिडेट कैट यूजिंग इन द टाइप अनफेयर मीन्स विल द पब्लिश एज पर रूल्स, कैंडिडेट यानी कि अनफेयर मेंस यानी कि UFMA
आपका एज पर रूल के हिसाब से ही आपके एग्जामिनेशन चलेंगे। उसके बाद लास्ट में चौथे पॉइंट पे लिखा है, इट इज द मस्ट बीरिंग मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर एंड फॉलो इन द गाइडलाइंस रिगार्डिंग कोविड 19। कहने का मतलब दोस्तों, आपके जो कोविड 19 के जो भी आपके निर्देश, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग और आपको सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, इन सभी नियमों को पालन करते हुए आपके एग्जामिनेशन कराए जाएंगे। और कोई डाउट्स होता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा साथियों। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। ओके ऑल द बेस्ट साथियों, जय हिंद, जय भारत।